हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इस वीडियो में हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो श्रीनगर बेंच का आर्डर आया है उस केस से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे केस है आसिफ मजीद एंड अदर वर्सेस फाइनेंस डिपार्टमेंट और ये आर्डर था थर्टीनथ मार्च का और ये आउट नहीं हुआ था अभी तक और इसकी अब इसको रिज़र्व किया गया ऑर्डर को और आर्डर अब ये फिफ्थ जून तक रिज़र्व रहेगा फिफ्थ जून को ये फिर आउट होगा तो इसमें जो है दो रिलीफ मांगे थे एप्लीकेंट्स ने मतलब जिन्होंने ये केस किया है जो सेलेक्टीज़ हैं और दूसरे हैं रेस्पोंडेंट रेस्पोंडेंट है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट एक तो इन्होंने मतलब सलेक्टीज ने जो ये क्वैश हुई थी एडवर्टीज़मेंट तो उससे रिलेटेड जो ये ये इसको क्वैश किया गया था उस पर स्टे से रिलेटेड और दूसरा जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया था तो उससे रिलेटेड है जो मार्च में आया था जो बाद में विदड्रा हुआ तो ये ये जो क्रैश हुआ था ये थर्टी फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को और इससे रिलेटेड जो अब मेन पॉइंट है वो हम नीचे देखेंगे क्या है और फिर है पॉइंट नंबर सेवन पे है कि ये फाइव जून को फिफ्थ जून को ये इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी मतलब उसमें ये फाइनल होगा डिसाइड फिर और पॉइंट नंबर एट में है जो फर्स्ट रिलीफ मांगा था एप्लीकेंट ने वो था स्टे स्टे ऑर्डर जो ये स्टे ऑन द ऑर्डर जो थर्टी फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी एट को आया था मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसिल किया गया था इस ऑर्डर को स्टे करना था ये डिमांड की थी एप्लीकेंट ने तो उसके बाद जो रेस्पॉन्डेंट ने इसमें जवाब दिया है कि इसके लिए कमेटी बिठाई गई थी कमेटी के अकॉर्डिंग ही ये तो और फिर ये क्वैश हुआ है और फिर इससे रिलेटेड क्या दिया है ऑर्डर कोर्ट ने तो वो है नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर थर्टीन में है वो तो इन व्यू ऑफ द एप्लीकेशन आर नॉट एंटाइटल रिजेक्टेड जो हमने ऊपर देखी देखीम प्रेयर क्या थी वो थी जो ये सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसिल किया गया था थर्टी फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को उस ऑर्डर के स्टे करना था तो उसको रिजेक्ट किया है कोर्ट ने और उसके बाद जो दूसरी थी सेकंड इंटरनल रिलीफ थी वो थी पॉइंट नंबर फोर्टीन में है ये स्टे ऑर्डर ऑन जो ये कंप्यूटर बेस्ड सोलह मार्च से जो एग्ज़ाम होना था इसका एफ डबल ए का तो उस पर कैलेंडर पे एग्ज़ाम कैलेंडर पे, पे स्टे लेकिन बाद में चूँकि ये ऐसे ऑटोमेटिकली फिर ये विड्रा हुआ तो ये पॉइंट फिर वैलिड नहीं रहा इन द सेक इंटरम प्रेयर इन द प्रेयर मेड बाई देशन एंड हैज बिकम इन फ्रक्चुअस क्योंकि ये बाद में विद्रा हुआ तो इस पॉइंट का कोई फिर ये वैलिड ही नहीं रहा तो जो फर्स्ट वाला था जो सिलेक्शन ये लिस्ट को कैंसिल से रिलेटेड है तो वो भी क्वेश किया है ये रिजेक्ट किया है किया है कोर्ट ने और सेकंड वाले को भी इस सेकंड वाला ऑटोमेटिकली रज रिजेक्ट किया है और अब ये फिफ्थ जून को इसकी फाइनल होगी तो इसका मतलब जो है कि जो श्रीनगर बेंच का ऑर्डर है उस वो ये है कि जो एफ डबल ए कैश हुआ था तो वो उसको वैलिड है वो वैलिड है तो मतलब ये कोई रिलीफ नहीं दिया गया ये एप्लीकेंट्स को तो अब श्रीनगर बेंच के को ये जो ऑर्डर है इसके अकॉर्डिंग एग्जाम होगा और जो जम्मू में कैस था उसका अभी उसका नहीं पता उसमें उसका क्या आर्डर आया है तो उसकी भी आज हेयरिंग थी तो वो जब आएगा तो वो भी मैं शेयर करूँगा यहाँ पर तो आप एग्ज़ाम के लिए तैयार है इवन मे भी एक्सपेरेंट हूँ और मे भी सलेक्टिज में सही हूँ तो लेकिन चलो आप क्या कर सकते हैं होप अब जल्दी हो एग्ज़ाम भी और ये प्रोसेस कंप्लीट हो फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं अगर आप जैकेस एस के, के एक्सपेरेंट हैं तो यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर डिस्कस कर करते हैं तो आप देख सकते हो थैंक्स फॉर वाचिंग